मॉर्निंग फ्रेंड्स, वापस एक नई वीडियो में आप सभी लोग का स्वागत है। कैसे आप सब? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, एक और नया दिन, एक और नया ब्लॉग, और आज का ब्लॉग भी स्टार्ट कर दिए हैं। और आज का ब्लॉग में होने वाला ना रेसिपी वाला ब्लॉग। बहुत दिन हो गया अपने चैनल पे अभी रेसिपी वाला वीडियो अपलोड नहीं किए थे। चलिए आज आप लोग को दिखाते हैं झारखंडी खान पान में एक और रेसिपी। और उस रेसिपी को बनाने वाला है ना, तो उस रेसिपी का नाम है खप्पर पोड़ रोटी, जो बहुत ही सुंदर लगता है खाने में भी और टेस्टी भी बहुत ज़्यादा होता है। और सबसे मज़ेदार की बात यह है ना कि उस रोटी को पकाने के लिए कोई भी तेल वगैरह का ज़रूरत नहीं पड़ता है, सिर्फ चावल से ही बनता है। तो चलिए देर ना करते हुए आप लोग को दिखाते हैं वो रोटी। इतना सा अरवा चावल ले लिए हैं और देखिए यही अरवा चावल है। अब इसको फूलने के लिए इसमें डाल देंगे। चावल को इसमें डाल दिए हैं। अब इसको पूरा भीगने के लिए लगभग 5 से 6 घंटा तक छोड़ देंगे। चावल वगैरह फूल चुका था, अब उसको ना निकाल चुके हैं। अब उसको ना कूटने के लिए अभी ले जा रहे हैं, जो कि हम लोग के गांव में एक कूटने वाला होता है जिसको ढेकी बोला जाता है। आप लोग के गांव में अगर वो होगा तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आप लोग गांव में उसे किस नाम से जाना जाता है। हमारे गाँव में तो उसे ढेकी ही बोला जाता है। तो चलिए आप लोग को दिखाते हैं कि कैसे हम लोग गाँव देहात में चावल वगैरह कूटते थे। और सारा चीज़ जैसे चावल हो गया, गेहूँ वगैरह, वो सब पहले हम लोग दादा परदादा यूज किया करते थे, अभी भी हम लोग उसको बचा कर रखे हुए हैं। चलिए आप लोग को दिखाते हैं वो किस तरह से होता है। देखिए इसी तरह से रहता है। अभी यहाँ पे पाँव रख के दबाना पड़ेगा, तब यहाँ पे और जो चावल रहता है इसको यहाँ पे डालना पड़ेगा। चलिए अभी दिखाते हैं आप लोग को। और डलाइए तो सर चावल को कूट कर भी लेते आए हैं। देखिए इतना सारा हुआ है और पूरा आटा के जैसा हो गया। देखिए अब इसको उलाना भी पड़ेगा। दोस्तों अब चलिए चूल्हा जलाते हैं। चूल्हा जल गया, जो कि हम लोग चूल्हा भी जला दिए और इसी में भी डेक्ची में उलाया जाएगा। अब आटा बढ़िया तरीके से देखिए पूरा भुना चुका है। अब इसमें ना इसको घोलने के लिए थोड़ा सा सुसुम गर्म पानी डाल देंगे, ताकि जो आटा है उसमें बढ़िया तरीके से घुल जाएगा। चलिए जी अब सारा चीज रेडी हो चुका है, अब इसको पकाने का शुरुआत करते हैं। रोटी दस पाक लखी भेगल है। लीजिए जी, हमारा खप्पर रोटी बन के पूरा तैयार हो चुका है और देखिए कितना बेहतरीन पका हुआ है। अब इसको ना थोड़ा सा तोड़ के भी दिखा देते हैं आप लोग को कि किस तरह से अंदर में ये पकता है। अब इस वीडियो का यहीं पे एंड करते हैं। आई होप आप सभी लोग को हमारा वीडियो पसंद आया होगा। अगर आप हमारे चैनल में नए होंगे तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट भी जरूर कीजिएगा, साथ ही अपने दोस्तों के साथ भी शेयर जरूर कीजिएगा। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नई रेसिपी के लेकर। तब तक के लिए अलविदा।